आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 20 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होदी के बारे में। ये एक निकोबारी ट्राइब की ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। चर्चा में इसी वजह से आया कि अंडमान निकोबार ने अप्लाई किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लेने के लिए फॉर निकोबारी होदी बोट के लिए, ठीक है, इसी वजह से चर्चा में आया। उसके बाद में बात करते हैं कि अभी के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 27th मीटिंग जो है इजिप्ट में जो सबमिट चला हुआ था उससे क्या निकल के आया, ये बताया गया कि दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग है जहां पे फॉर्मली इंक्लूड किया गया लॉस एंड डैमेज एज एन एजेंडा आइटम्स। इतना खास कुछ आउटकम जो है निकल के नहीं आया इस सबमिट से, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करते हैं 60th एनिवर्सरी है टू आइकॉनिक बैटल्स की जो भारत और चाइना के बीच में होती हैं, बैटल ऑफ वेलोंग एंड बैटल ऑफ रेजांगला। 1962 में होती हैं ये दोनों बैटल, बिल्कुल आपको थोड़ा पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान के बारे में। देखिए आप सभी को पता है काफ़ी चर्चा में ये स्कीम रहती है कि सेंट्रल स्कीम है, 2019 में लॉन्च किया गया था। जो एलिजिबल फार्मर फैमिलियाँ होती हैं उनको 6,000 रुपये एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। चर्चा में इसी आया कि अभी एग्रीकल्चर मंत्रालय का एक डाटा निकल के आता है और उसमें बताया जाता है कि ये जो 11th इंस्टॉलमेंट इस फंड के जरिए जिन किसानों को मिला है उनमें उनकी जो संख्या है वो बिल्कुल गिरावट देखने को मिलेगी उस संख्या में 67%, ठीक है। पहले का डाटा दिया गया था 11.84 करोड़ और उसके बाद का अभी मतलब 3.87 लोगों ने अवेल मतलब उनको मिला है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भैया उसमें गिरावट आई है एज कम्पेयर टू अर्लियर, ठीक है, सीधी बात और कोई काम का कुछ खास नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ डाटा, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पर बात करते हैं प्रथम एनजीओ के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो प्रथम एनजीओ है उसको मिला है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021 फॉर इट्स वर्क इन एजुकेशन के लिए। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में रहता है, केरला का प्रोजेक्ट है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है के रामालिंगम को। वन डे स्टेट पीसीएस में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं INCOIS के बारे में। ये क्या है, ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है गाइस। तो बेसिकली आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है गाइस। दूसरा हम बात करते हैं कि भाई ये कहाँ क्या लोकेशन है इसकी, हैदराबाद में लोकेशन है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पीआईबी की, तो चर्चा में है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन बनाता है, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट बेस्ड है वाशिंगटन डीसी में, ये इसको बनाता है। और इसमें पाया गया कि इंडिया की जो पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इट्स पोजीशन बाय 6th स्लॉट नाउ प्लेस्ड एट 61वां रैंक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर हमारे नए कौन होंगे, अरुण गोयल। वन डे एग्जाम या पीसीएस के जो होते हैं ना, वन डे टाइप में एसएससी या कोई पुलिस का एग्जाम देते हो तो पूछ लेते हैं कि हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अरुण गोयल है, नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए अरुणाचल का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेट कर दिया गया है जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। वैसे देखिए इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी। सेंटर ने स्क्रैप कर दिया है एक्सपोर्ट टैक्स ऑन आयरन ओर एंड स्टील के ऊपर, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए गाइज अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है नो डाउट आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल करके भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव अ सम डे।